पाकिस्तान के जो हालात हैं, अपना दिफा आपने खुद करना है, यहाँ की पुलिस के ऊपर आपने उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आज हम ऐसी ही एक गेस्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने तो अपना रिकॉर्ड कायम किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। मुक्के मार मार के उन्होंने 18,983 बार मुक्के मारे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया है। तो ये जो बहादुर बेटी है ना, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वजाहत आपके लिए भी। अब ऐसी लड़कियां इतनी मेरे लिए नहीं, वो तमाम लड़के, वो लुचे लफंगे या वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो अब अपनी खैर मनाए। अगर कहीं गलती से उनका सलाफे से सामना हो गया तो उसके बाद सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सलाफे, वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग। जितना माशाल्लाह आपने, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जिस तरह आपने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड नाम किया है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। लड़कियों के लिए भी आप एक एग्जाम्पल हैं कि जिस तरीके से लड़कियों को डिफेंस के हवाले से मोटिवेशन दी है आपने। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? पहली चीज तो ऐसा वो धमाकेदार किस्म का इंट्रो था और मैं हैरान थी उसमें। थैंक यू सो मच फॉर दैट और थैंक्स फॉर हैविंग मी सबसे पहले। और अब हम उर्दू में आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर हम अपने टीवी पर बैठे हुए पाकिस्तान के। अच्छा, अब शुरू इस तरह हुआ था कि जैसा सेल्फ डिफेंस का आप इंट्रो में बात कर रहे थे, तो वहीं से स्टोरी शुरू हुई थी कि मुझे सेल्फ डिफेंस का ही बहुत शौक था कि उसको सीखना चाहिए। और मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ कि मुझे कभी भी शौक नहीं रहा इस चीज़ का कि एक स्टोरी लेके बैठो और उस पर फिर वो लोगों को सुनाओ। मुझे था कि एक हल होना चाहिए आपके पास। हाँ, खुद भी तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हरेस करता है या आप हरेस हुए हो, आप सेल्फ डिफेंस सीखें और सिखाएं। तो मेरी ख्वाहिश सबसे पहले ये थी और अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हुई। उतनी देर में फिर मेरे कोच ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी जो पंचिंग स्पीड है ना उस टाइम पर, वो थी, उन्होंने वीडियो में मुझे दिखाया कि एक सेकेंड में 7 पंचेस थे। मतलब इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, मैं खुद देखती हूँ कि ये कैसे। तो उन्होंने कहा कि अगर सोचो, अगर 1 आवर की कैटेगरी के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये कितना जाएगा, आप कितना कर सकोगे, हो सकता है कि यू नो तुम एक रैकेट बना लो। शुरू में मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं मुझसे, और बिकॉज आप जब एक चीज़ को कर रहे होते हो ना उस टाइम पर, आपके लिए वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, आप उसका हिस्सा नहीं हो। तो उस टाइम मैं कहती थी कि गिनीज तो पता नहीं किस तरह के लोग होते होंगे। तो बनाया, अल्लाह का शुक्र है, विद इन 2 मंथ्स मैंने उसकी अटेम्प्ट की। प्रैक्टिस वही नॉर्मल थी जो की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जब हमने गिनीज को भेजा, उन्होंने उसको अप्रूव भी किया, अप्रूव भी कर दिया। और साथ ही साथ इसको उससे पहले जब हमने अप्लाई करते, जब आप रैकेट की अटेम्प्ट करते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको भेजते हैं। Right. तो इंडिया ने भी उसको अप्रूव किया, उसको यूके यूएसए ने भी अप्रूव किया, इसे RHR हम बोलते हैं, और पाकिस्तान बुक ऑफ रैकेट्स ने फिर मुझे फख्रे पंजाब का टाइटल दिया। अरे वाह। और फख्रे पंजाब पे मैं हमेशा बताते हुए कहती हूँ कि वो मेरी पर्सनालिटी पे जाता नहीं है, वो होता है कि शायद कोई पहलवान टाइप होगा और वो फखरे पंजाब होगा। नहीं, वो नहीं है, लेकिन कोई अखाड़े में पहलवानी कर रहा हूँ। और अक्सर आ भी रही होती है ना, तो लोग कहते हैं कि शायद सुलाफे जिसका मुक्कों का रिकॉर्ड है तो वो आएगा एक भाई टाइप और आएगा और आते उसकी आवाज भी वैसी होगी। मैं कहती नहीं, मैंने इन चीजों पर कभी बिलीव नहीं किया। वैसे आप स्टडी भी साथ साथ करती हैं क्या? अच्छा, मेरी स्टडी कम्प्लीट हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स के बाद मैं माइंड साइंसेज में गई, माइंड साइंसेज का, फिर जो यूएसए से और दुबई से मैंने सर्टिफिकेशंस भी की साथ ही साथ, फिर टैरो कार्ड रीडिंग भी साथ ही करती हूँ, माइंड साइंसेज साथ करती हूँ, फिर सर्टिफिकेशन मैंने फिटनेस में योगा में की। Okay. क्योंकि ये चीजें बगैर सर्टिफिकेशन के अच्छी नहीं लगती, आपने जब प्रोफेशनल होना पड़ता है और जब आप एक इंसान से भी जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली फिटनेस है, टैरो है, ये सब कुछ है, ये बड़ी डेलिकेट चीजें ह्यूमन माइंड। तो मैंने कहा इस चीज के अंदर भी मुझे सर्टिफाइड होना पड़ेगा। अच्छा, ये फैमिली मतलब पूरा सपोर्ट था आपको, ये फैमिली में कोई और भी करता था जिससे आप इंस्पायर्ड हुई हो? कैसे कि घर में जैसे होता है टिपिकल फैमिलीज में भाइयों के साथ पंचिंग करते करते शौक आ गया? सबसे फनी बात है, मैं अपनी फैमिली का खुद ही एक अकेला भाई हूँ। अच्छा? यानी कि मेरी 3 बहनें, यानी हम 3 बहनें, क्या हो गया, हम 3 बहनें, तीसरी मैं ही हूँ सबसे छोटी, और हमारा भाई कोई नहीं है। और वो जो बचपन में सुना होता है ना आपने सोसाइटी से, भाई कोई नहीं है, ये है वो सब मैंने सुना था, इसलिए अक्सर इंटरव्यूज में इमोशनल भी हो गई थी, बिकॉज वो जब लाइंस याद आती थी। तो मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव, बाबा तो ही वाज लाइक, अच्छा क्या करना है, सेल्फ डिफेंस क्यों कर रही हो? मैंने कहा ये चीज है, ओके कैरी ऑन, और आप रैकेट के लिए अटेम्प्ट करनी है, ओके कर लिया, बन गया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। उनका बल्कि जाके अपनी मम्मी को बताओ जाके। हाँ। और मम्मा के आंखों में आंसू थे, और एक दफा तो अटेम्प्ट वो मेरे साथ भी मौजूद थी। तो वो था, शुरू से रेसलिंग देखती थी,
वो एक आदत थी। कौन था रेसलिंग में फेवरेट? जॉन सीना। जॉन सीना, एग्जैक्टली मैं ये कह रही थी, जॉन सीना, बतिस्ता और फिर आपके जितने भी द रॉक और ये यही सब चीजें थी। जॉन सीना था, उसका अटायर पसंद था कि ही वाज वेरी डिफरेंट। अच्छा खिलाफे ये बताइएगा कि ये आपकी हॉबी थी या फिर आपको लगा, जिस तरह आपने कहा कि बहनें हैं और सोसाइटी में अपने सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है कोई सेल्फ डिफेंस हो, जब ये कहते हैं भाई नहीं है किसी को मौका ना मिले, ये हॉबी थी आपकी या फिर कुछ हालात का भी ये तकाजा था, हालात का भी सितम था कि ये जरूरी था कि इसको भी किया जाए ताकि पेरेंट्स को ये ना फील हो कि यार भाई नहीं है या बेटा नहीं है, हमारा कभी फील ना हो। हाँ, ये अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने मुझे जिंदगी में चैलेंज दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज वो लोग ना होते तो मैं आज सलाफे ना होती। जिन लोगों ने मैं भी हरेस हुई हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ अपने प्रोफेशनल जो स्पेस में, वहाँ पर वर्क प्लेस पर, स्टडी के दौरान, और वो चाहे वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो, कोई एक चैलेंज हो या फिजिकल किसी को यू नो जो हमारे यहाँ एक तरीका होता है या यस वो करना, तो वो चीजें हुई हैं मेरे साथ। तो फिर ये स्किल काम आई फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा। उसके बाद ये होता है कि वो चीज आपके ओरा में आ जाती है। और मैं कहती हूँ कि अब तो लोग कहते होंगे कि शुक्र है बस ये घर से बाहर ना ही निकले, बिकॉज एक टाइम था रैकेट के फौरन बाद भी ना मैं हमेशा कहती हूँ मेरा दिमाग खराब है, तो मुझे जैसे ही कोई तंग करता था तो बहुत सारे लोगों की मैंने नाक भी तोड़ी हुई है। अच्छा, अपनी पाम स्ट्राइक से, बिकॉज वो मैं आज भी यही कहती हूँ मैं हार्मलेस इंसान हूँ तब तक जब तक आप अपनी लिमिट में रहेंगे। जैसे ही आप एक बाउंड्री से बाहर आएंगे और जो मेरी स्पेस के अंदर आ जाएंगे, यानी जहाँ मेरी नाक है ना वो मेरी स्पेस है, आप वहाँ आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आपके। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड डरते तो होंगे आपसे। उन्होंने शादी ही इसलिए की है, मैं हमेशा मुझे कहते थे अच्छा अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो बचाओगी आके, मैंने कहा प्लीज ये मत करना, लेकिन उनको ये पसंद वो पता होगा कि वो कहेंगे कि आओ भाई लड़ो मेरी बीबी तो मैं। और मजे की बात ये है कि आप उनका सेल्फ डिफेंस करती हो। हाँ, वो अक्सर मैं करती हूँ। और साथ जो है सबसे मुझे अच्छी बात उनकी ये लगती है, कहते हैं कि मैंने चूज ही एक तरह से तुम्हें इसलिए किया था कि तुम बात बात पे रोने वाली लड़की नहीं हो, बिकॉज औरत बहुत मजबूत है। कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो शीज अ कैंसर सर्वाइवर, तो मैंने उनको हमेशा देखा एक मजबूत खातून। ठीक है, उन्होंने कभी भी स्टोरी लेकर नहीं बैठी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाना है कैंसर के दौरान भी, तो मैंने ऐसी स्टोरीज अपने साथ जब देखी और फिर साथ ने भी इसलिए चूज किया कि मैंने देखा औरत बहुत मजबूत है। Absolutely. ये तो हमें बना दिया गया बात बात पे रोती है, रोना कमजोरी की अलामत नहीं है, लेकिन कहाँ रोना ये आपको पता होना चाहिए। वो बात बात पे सोसाइटी के सामने आंसू निकालना, तो वो उसने कहा कि ये मैंने देखा ये तो बड़ी टफ लड़की है, बल्कि पहली मुलाकात में थोड़ी सी बदतमीजी भी करती, उनको वो और ज्यादा पसंद आया, उनका ये ठीक है, ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपकी जो बाकी दो सिस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट इंस्पायर हुई आपसे या सिर्फ ये आपने अकेली ने ही इस फील्ड में? अलीना जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, वो भी बेचारी टीवी शोज पे अक्सर लोग उसको देखते हैं, तो उसको मैं उसको बेचारी अच्छा, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में चली गई, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में चली गई, उसको मैं मार्शल आर्ट्स में लेकर आई। अच्छा? मैंने उसको बाकायदा जब तक उसको मुक्के उसको लाते नहीं सिखाई ना मारना, तब तक मैंने उसकी जान नहीं छोड़ी, हालांकि वो मेरी बड़ी बहन है। सबसे बड़ी बहन को मैं आज भी ये कहती हूँ तुम्हें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शी इज अ ट्रैवलर। ओके, वो पाकिस्तान घूमती है और लोगों को पाकिस्तान दिखाती है, शी इज टोटली डिफरेंट, हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको भी कहती हूँ तुम्हें एटलीस्ट पंच करना आना चाहिए। वो तो अक्सर लोग कहते हैं तुम हो ना कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी बार ये होता है तुम मुझे आवाज लगाओगे लोग सीरियस नहीं लेंगे। हाँ। अच्छा इसको बुलाया है कि ये आके हमारी नाक तोड़ेगी। अच्छा ये चीज है कि बजाहिर अपेरेंटली आप देखें तो लगता नहीं है ना कि एक लड़की जो है इतनी, जिस तरह आपने कहा कि होता है कि इतना वो भारी भरकम भी नहीं, आप देख के लगता ही नहीं है कि लड़की जो है ये इस हद तक मार्शल आर्ट भी। मैंने अपना, आप यकीन करें मैंने अपना वेट गेन किया है, अभी मैंने अभी गेन किया है, 44 kg और जो कि बहुत स्क्रॉनी थी, नाउ आई एम 58 kg। मैंने थोड़ा सा उसको गेन किया बिकॉज मैं उस चीज में भी बिलीव नहीं करती कि वो बहुत पतला होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए, लेकिन ये सही बात है और ये इल्यूजन अच्छा है लोगों के लिए कि जब आप सामने जाते हैं तो वो आपको कुछ चीजों में बहुत लाइट लेते हैं। तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? आज भी जो है 45 minutes या 50 minutes मेरा वर्कआउट चलता है, बस मेरा सिर्फ 50 minutes 45 minutes 45 minutes के बाद आपका सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। ओके, आपको एक लिमिट तक एक्सरसाइज करनी होती है, उसमें मार्शल आर्ट्स भी होता है, उसमें योगा भी होता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, उसमें कार्डियो होता है। मैंने वीक में घर पे ही, बिकॉज मैं पहले जिम में थी और शादी के बाद खुद मैंने चूज किया, हालांकि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव, उनका बेटा जॉब करनी है, शादी के चौथे दिन
मुझे घर संभालने का भी बहुत शौक है और मैं वही हूँ, वो रात के 10:30 बजे घर आना, मैंने कहा वो सिंगल लाइफ अच्छी थी, मुझे इस लाइफ को भी जीना है, इसको भी बैलेंस करना है। तो फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट किया सारा अपना सिस्टम, मैं चीज़ों को ऑनलाइन सिखाती हूँ, घर में खुद उठ के अपना खुद वर्कआउट करती हूँ, बिकॉज अगर लोगों को मैं वो मशवरा दे रही हूँ जो मैं खुद नहीं कर रही, दैट्स नॉट राइट। अगर मैं घर में वेट रिड्यूस कर सकती हूँ, घर में बॉडी टोनिंग कर सकती हूँ और घर में रिलैक्स हो सकती हूँ, तो लोगों को मैं इस चीज के अहल हूँ कि मैं उनको कहूँ कि ऑनलाइन आप मुझसे आकर ट्रेनिंग लें। एब्सोल्युटली, अगर खुद कर रही हैं फिर आप किसी को, अगर मैं खुद जिम भाग रही हूँ और मैं कह रही मैं तो असल में ये करती हूँ लेकिन आपको योगा सिखाऊंगी, राइट, फिर गलत है। Absolutely. तो फिर मार्शल आर्ट्स हो जो भी हो, कई दफ़ा कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास या कुछ ख़वातीन आती हैं घर पे, मेल्स को मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ, मेल्स से ज़रा थोड़ा सा मैं फिर भी डिस्टेंस पे रहती हूँ और उनकी सेफ्टी के लिए तो क्योंकि मैं हार्मलेस रहना चाहती हूँ तो उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि इस तरह मैसेज गलत ना चला जाए, मैं कुछ भी जिंदगी में कर लूं या औरत लाइफ में कुछ भी कर ले, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, एब्सोल्युटली, मर्द की तरह है, मर्दों से पीछे नहीं है, ये नहीं, आपने इक्वली खड़े होना है। मर्द का एक अपना रोल है। इस बात पे मेरे हस्बैंड भी हैरान थे कि अच्छा भाई ऐसी लड़की है, ये सच बोल रही है ऐसे ही? मैंने कहा नहीं, जहाँ आपका रोल है वही आप करोगे। कंपैरिजन में जाना नहीं चाहिए, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम माइंड साइंसेज में, जब मैंने माइंड साइंसेज को पढ़ना शुरू किया तो उसमें मेल और फीमेल एनर्जी की बात करते हैं, उसके बगैर कायनात का वजूद नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए जो मेल का एक है, और दूसरा ये कि मुझे मेल्स ने हमेशा सपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ वो उन चंद % लोगों की वजह से मेल्स को बुरा कहना शुरू कर दूं कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, नहीं, फिर मेरे साथ बुरा होता रहे। बिल्कुल। अच्छा सुलाफे, ये बताइएगा कि मेरी तरह बहुत से लोग या व्यूअर जो खवातीन या मर्द भी देख रहे हैं, अच्छा एंड में ये होता है सवाल कि जो मार्शल आर्ट है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं, लड़कियां ये समझती हैं अक्सर ये शायद हमारी फिजिक ही नहीं है, लड़कियां तो बड़ी नर्मो नाजुक सी होती हैं, वो भी कर सकती हैं, तमाम लड़कियां कर सकती हैं, जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइएगा। मार्शल आर्ट्स एंड योगा दोनों ऐसी आर्ट है जो हर किसी के लिए, बस बच्चा उस एज से जहां आपकी कमांड को समझ सकता है, लाइक 4 इयर्स के बच्चे भी आते हैं मेरे पास, 4.5 साल के बच्चे भी मेरे पास आए हैं, तो उनको मैं सिखा रही होती हूँ, और उससे ऊपर आप एज लगा ले 60+ के लोग भी हैं, खवातीन भी आती हैं। इसके अंदर आपको एक्चुअली सिर्फ टेक्निक चाहिए, अगर आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं या मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ टाइम के साथ डेवलप। अच्छा, आपने टेक्निक की बात की है, कैमरा आपके सामने है, जो खवातीन घर में बैठी कोई करना चाहती हैं इस पे करना चाहे, नहीं मेरे पे ना करें, मैं कोई टेक्निक आप मैं तो बड़ा अनाड़ी सा लड़का हूं। अच्छा मुझे बताएं, खड़ा है आप जॉब पे भी ट्राई कर सकते हैं, यहां पर अगर कोई ऐसा कोई स्किल या कोई ऐसा गुर खवातीन को आप बता सके जो घर में बैठ के वो कर सकती हैं, कोई प्रैक्टिकली करके दिखा सकती हैं यहां पे कुछ ऐसा? मैं प्रैक्टिकली भी बता सकती हूं लेकिन एक कमिटमेंट करनी होगी, अपने हस्बैंड पे ट्राई ना करें, हस्बैंड पे ट्राई नहीं करना, हां वो कहेंगे सुलाफे ने सिखाया था, मैंने नहीं सिखाया। लेकिन एक बात, कुछ चीजें अगर आप कहें तो डेमोन्स्ट्रेट में किसी के साथ भी कर सकती हूँ या खुद अकेले भी, आपको कुछ चीजें या आपके साथ हम कर नहीं, सकते मैं बिल्कुल भी तो उसमें कुछ चीजें सबसे आसान, जरा फिजा के साथ करके तो दिखाएं नहीं, 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 उनके साथ माइक वगैरह सब है, ऐसा पॉसिबल है कि सुलाफे अगर करना चाहें फिजा के साथ यहाँ पे कोई फ्रेम हमारा ऐसा बन सकता है? नहीं वो इस तरह बन नहीं सकता, और भाई कह रहे डर गई है आप, बन नहीं सकता, बन सकता लेकिन डर गई। अच्छा इसके अंदर सबसे आसान चीज ये होगी कि आपकी बॉडी के जो सेंट्रल एरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जब आपने अटैक करना है स्पेशली आपकी आंखें भी सेंट्रल में नहीं आएंगी लेकिन आंखों पर आप पोक कर सकते हैं। दूसरा इस साइड पे जो मैंने कहा पाम स्ट्राइक, इस चीज को बाहर निकाल के आप यहाँ पर हिट कर सकते हैं। दूसरा आपका सोलर प्लेक्सिस, ये एरिया बहुत नाजुक होता है और बिलो द बेल्ट आपको पता है कि वो बहुत नाजुक होता है। समझ आई? दूसरा सेंटर पॉइंट जो है ना, आपने किसी से भी लड़ाई करनी है। थैंक यू सो मच सुलाफे, टाइम बहुत शॉर्ट है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन वी आर रियली प्राउड ऑफ यू।